नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत के शेयर बाजार के लिए 13 मार्च ब्लैक वेडनेसडे साबित हुआ है। शेयर बाजार में सुनामी आ गई है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिरकर 73,000 के नीचे फिसल गया है। निवेशकों की महीने भर की कमाई एक दिन में स्वाहा हो गई है। एक दिन में छोटे और बड़े निवेशकों के 13 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए हैं। क्या है इसकी वजह, आइए आपको बताते हैं। बुधवार को मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में भारी बिकवाली से शेयर बाजार में सुनामी आ गई है। सेंसेक्स और निफ्टी समेत सभी इंडेक्स 2 से 5% तक टूट गए हैं। ऑटो, मेटल, रियलिटी, मीडिया और पीएसयू बैंक पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो मानी तबाही आ गई है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई है। अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 6-6% टूट गए हैं। इससे अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से घट गया है। एक दिन में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 90,000 करोड़ घट गया है। अब अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाले ग्रुप से बाहर हो गया है। 23 जनवरी के बाद इंट्राडे में ये सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर बाजार में ये गिरावट सेबी प्रमुख के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयरों में हेरफेर की आशंका जाहिर की थी। सभी प्रमुख ने कहा था कि इन स्टॉक्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई आईपीओ में भी धांधली की आशंका जताई थी। शेयर बाजार का सेंटिमेंट इस बयान से ही बिगड़ा है या फिर और कुछ कारण है, इसको लेकर शेयर बाजार के जानकार तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हम आपको शेयर बाजार और कारोबार जगत की हर हलचल से अपडेट करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।